अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अस्मा स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये जो वीडियो है, ये वीडियो है वीकेंड की जो गुजर चुका है, सैटरडे का, मतलब फ्राइडे नाइट थी, फ्राइडे नाइट थी। तो अम्मा ने रखना था रोज़ा, तो मैंने सोचा कि ये एक यादगार होती है जब आपका बच्चा पहली बार रोज़ा रखता है। तो सुहा की दफ़ा में भी मैंने ब्लॉग बनाया था जब हम सिंगापुर में थे, तो इस दफ़ा अमार अभी रख रहा था रोज़ा, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सा एक छोटा सा ब्लॉग बना लेते हैं। हालांकि सैटरडे के टाइम जो है ना, उठ के बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही होती मेरी तो वीडियो वगैरह बनाने की। यहाँ पे आजकल सैटरडे जो है ना, अब 5 बजे बंद हो रही है, लेकिन जिस दिन की ये वीडियो है ना, उस दिन 1 घंटा पीछे थी, क्योंकि यहाँ पर भी 1 घंटा घड़ियाँ आगे होती हैं स्प्रिंग में। तो उस टाइम 1 घंटा घड़ियाँ पीछे थी, तो उस टाइम सैटरडे बंद हो रही थी तकरीबन कोई 4 बजे के करीब। तो ये कुछ 3:30 का टाइम होगा, और नॉर्मली सैटरडे तो पराठों के बगैर तो कंप्लीट होती ही नहीं है। मेरी तो बिल्कुल भी नहीं होती, आप लोगों की होती है ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे अभी तक मैं जो सैटरडे में ज़्यादातर बनाती हूँ ना, वो होते हैं पराठे और साथ में होती है फेनी, क्योंकि पराठा एक से ज़्यादा खाया नहीं जा रहा होता सैटरडे में। तो फिर ये होता है कि चलो फेनी थोड़ी सी खा लो ना, तो वो एक नॉर्मल थोड़ा सा इतना हो जाता है कि आपका रोज़ा सही गुजर जाता है। और चाय तो मस्त है ही है, चाय के बगैर तो सैटरडे हो ही नहीं सकती। तो आप भी तो कौन कौन सैटरडे में चाय वगैरह पीते हैं ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में। तो बस इस टाइम मैं बना रही थी रोटी, क्योंकि सुहा भी रख रही थी रोज़ा और अमार भी रखा था, और रायमा का इरादा था, लेकिन रायमा ने फिर एंड टाइम पे ना क्विट कर लिया, क्योंकि उसकी तबीयत हो ही ना ठीक नहीं थी। तो कल सैटरडे है, मैंने अपनी बहन को भी बुलाया हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलो बनाती हूँ ब्लॉग, लेकिन क्योंकि वो लोग वीडियो में नहीं आते, क्योंकि हर किसी की ज़ाहिर है प्राइवेसी को किसी की आप वो नहीं कर सकते। अगर कोई नहीं चाहता वीडियो में आना, तो हम उसको फोर्स नहीं कर सकते कि वीडियो में आओ। तो इसलिए मैं छोटे मोटे क्लिप्स ही बनाऊंगी कल, कोई बहुत ज़्यादा क्लिप्स नहीं बनाऊंगी। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। यहाँ पे सैटरडे में ना, मैं वो जो पाकिस्तान में जैसे वो ढोल वाले आते थे ना, वो वाइब बड़ी मिस करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना रमज़ान का बिल्कुल पता नहीं चलता। मतलब आप जब मार्केट वगैरह जाओ, कहीं बाहर जाओ, तो क्योंकि यहाँ पर मुसलमान थोड़े ज़्यादा हैं, तो फिर भी थोड़ा बहुत आपको पता चलता है लोग चीज़ें वीज़ें ले रहे होते हैं। लेकिन वो जो अजानों की आवाज़ और सैटरडे के टाइम वो जो ढोल बजाने वाले आते हैं, उनकी आवाज़ें ना बंदा बहुत मिस करता है। जब आप कहीं बाहर रहते हो ना, ये चीज़ें जो प्योर पाकिस्तानी चीज़ें हैं ना, वो आप बाहर रह के बहुत ज़्यादा मिस करते हो। आज सही में मैंने बनाया हुआ था कीमा आलू और साथ में कीमा मटर आलू, और साथ में पराठे वगैरह थे, चाय थी। जुनेद को जो आपको पता है, जुनेद वैसे ही कैमरे से बचते हैं, तो सैटरडे में तो जुनेद बिल्कुल भी कैमरे के सामने नहीं आने वाले थे, तो इसलिए मैंने उनको लिया भी नहीं कैमरे में। तो और अमार और अमार साहब जो है ना, स्वेटर भी नहीं पहन के आया था, और अमार नींद में जो है ना बिल्कुल टन बैठा हुआ था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी रोज़ा रखने की, लेकिन उसको इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैंने रखना ही रखना है, कि कैसे जाता है कैसे नहीं जाता मेरा रोज़ा। और बच्चों को वैसे भी जो है ना, जब हम भी छोटे थे, मुझे याद है कि हमें भी बड़ा शौक होता था कि भाई हम सैटरडे में उठें, चाहे रोज़ा रखें ना रखें, लेकिन सैटरडे ज़रूर करनी होती थी। तो और मुझे होता है कि अच्छा है, बच्चों को थोड़ा सा पता भी होना चाहिए कि रमज़ान में किस तरह से आप सैटरडे में उठते हैं करते हैं। मेरी अपनी देखें आप, नीचे क्या हालत हुई और ये इतना मोटा सा कंबल मैं सर्दियों में पहन ही रहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सब सर्दी हुई हुई है अभी भी। कल जो है ना रायमा मार की करनी है रोज़ा कुशाई। मैं बेले आया हूँ, सर्दी लग रही है और मुझे नींद आ रही है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज सैरी का ब्लॉग भी बना लेती हूँ। हालांकि सैरी में मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती बोलने की, और भूली है तो आपको बताएंगे। रात को यहाँ पे भी बहुत सर्दी है, तो ये कंबल की तरह का मैंने गाउन लिया हुआ, मैं यहीं पर रहती हूँ रात को सही के बाद। तो रायमा ने भी रखना था रोज़ा, लेकिन रायमा ने एंड टाइम पे क्विट कर लिया कि मैं नहीं रख रही। आपने सर्वे पूछा था, उसने कहा मुझे बहुत नींद आ रही है, मैंने हाँ ना यही तो कह रही हूँ। तो उसने रखना था ना पहले, तो उसने कहा कि मैं नहीं रख रही, अब तो बस अब मार्च में एंड टाइम पे इरादा कर लिया रखने का। तो लेट्स सी कि रोज़ा कैसा जाता है। अब हम जो है ना सही कर चुके हैं, इस टाइम 4 बजे सो रहे हैं, नमाज वगैरह पढ़ेंगे और बस फिर सोएंगे। सुबह छुट्टी है शुक्र है, तो थोड़ा देर तक सो सकते हैं। सुबह ने रोज़ा रखते हैं। सुबह क्या हाल चाल है?
तो मिलते हैं आपसे सुबह। जैसे कि आपको पता है कि आज था वीकेंड, और वीकेंड पे जो है ना मैं एक सही से जो है ना पूरे घर की सफाई करती हूँ लास्ट भी हर वीकेंड पे। डेली जो है जो सफाई होती है वो थोड़ी नॉर्मल होती है, लेकिन वीकेंड पे ज़रा एक थोरो सफाई होती है, इसमें मैं अच्छी तरह से सारी सफाई करती हूँ। तो ये जो है मैंने सोचा कि थोड़े से एक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वीडियो। ये डायसन का वैक्यूम क्लीनर है, ये कोई प्रमोशन मैंने करी, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ लेडीज़ स्पेशली कि यार अगर आप लोग ये ले लेंगे ना आप सुकून में आ जाएंगे। अगर आपके घर में कारपेट है ना, इससे सफाई करना इतना आसान है, क्योंकि एक तो ये कॉर्डलेस है और ये क्लीनिंग वैसे भी बहुत अच्छी करता है। तो कॉर्डलेस है तो उसमें ये चक्कर नहीं है वैक्यूम क्लीनर का, भी पीछे पीछे आपको तार परेशान कर रहा है, आपने प्लग देखना है कहीं उसके करीब ही आप कर सकते हैं। कॉर्ड वाले वैक्यूम के साथ ये इशू होता है। तो जब से मैंने ये लिया है ना मेरे लिए सफाई बहुत आसान हो गई है। मैं तो बस ये लगाती हूँ और 2 मिनट लगते हैं जल्दी सफाई हो जाती है सारी की सारी। तो अगर आप लोग के पास बजट है, क्योंकि थोड़ा प्राइसी है, अगर आप लोगों के पास बजट हो तो ज़रूर इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा। इससे जो है ना आप लोगों के लिए सफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। कपड़े में जो फोल्ड करने हैं, अमार को मैंने नहला दिया है, रामा नहाने गई हुई है, और पूरा घर गंदा हुआ है, सारा साफ करना है। मौसम वही क्लाउडी सनी मिक्स चल रहा है। अमार कैसा जा रहा है रोज़ा तुम्हारा? अमार रोज़ा कैसे जा रहा है? सोहा का भी रोज़ा है, और अब यहाँ पे तो मैंने सफाई कर दी है, स्टेयर्स पे करनी है अभी। तो बस अब मैंने घर की सफाई सफाई कर दी है, मैं खुद भी फ्रेश हो गई हूँ। अब मैं थोड़ा किचन से बैठूँगी जाके पहले, और फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर इफ्तारी की तैयारी करेंगे। तो यार देर हो गई थी ना, तो मैं ना पिज़्ज़ा की फ़ाइनल शक्ल रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो मैंने साथ में पिज़्ज़ा बनाया हुआ था, पकौड़े थे, मिक्स पकौड़े थे, और साथ में समोसे थे और फ्रूट चाट वगैरह थी, और साथ में ना मैंने खाने का अरेंजमेंट किया हुआ था। अमार का आज फर्स्ट रोज़ा है। अमार, हाउ आर यू फीलिंग? हंग्री। स्टिल 5 मिनट्स लेफ्ट। या वो भी शदीद रोज़ा लग रहा है, रायमा को भी, उसका भी आधा रोजा रखा। आपको लग रहा है रोजा बहुत शक्ति। और ये बस इफ्तार का टाइम हो गया था। मैं यहाँ पे अजान की आवाज़ तो आती नहीं है, तो मैं टीवी पे लगा देती हूँ इफ्तार पे अजान। तो थोड़ा सा एक रमज़ान का लगता है कि यार रमज़ान है। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि अम्मा ने माशाल्लाह सही से पूरा रोज़ा रख लिया। हालांकि वो छोटा है और उसके लिए बहुत टफ था, लेकिन उसने माशाल्लाह बहुत अच्छे से गुजारा। सो गाइस, इसके साथ ही हम आज का जो ब्लॉग है अम्मा की रोज़ा कुशाही का होता है ख़त्म। इफ्तार के बाद बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना सके, क्योंकि एकदम से इतना अफरा तफरी सी हो गई थी। तो अमार कैसा रहा रोज़ा? कल रखना है रोज़ा? नहीं। अब नेक्स्ट वीकेंड रखना? हम नहीं रखना बस। चलो अमार बाय कर तुम सबको। बाय। ऐसे करते हैं मैम? हेलो, चलो सोने लेट हो। इस टाइम 10:15 हो रहे हैं, आज ये लोग लेट हो गए सोने के लिए। रामा की तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही है, बहुत ज्यादा कोई नहीं खराब हो रही, और सो बस सुबह छुट्टी है। लेटो, चलो बाय बाय।